हमीरपुर शहर की मेन बाजार की सड़क 20 लाख से जल्द ही चकाचक होगी। कई सालों बाद इस सड़क की पीडब्ल्यूडी टायरिंग करने जा रहा है। आए दिन सीवरेज कनेक्शन और पानी की पाइपें डालने के कारण जगह जगह पर सड़क उखड़ने के कारण लोगों को रोजाना आवाजाही में असुविधाएं होती है। अब इससे उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी। टायरिंग के अलावा सड़क के किनारे नालियों की जहां जहां जरूरत होगी उनकी रिपेयर की जाएगी। मार्च माह में टायरिंग का पूरा काम पूरा हो जाएगा। पिछले कई सालों से मुख्य बाजार की इस सड़क की टायरिंग पेंडिंग चल रही है। बीच बीच में पैचवर्क से ही गड्ढों को भरने का काम चलता रहा। अब इसके लिए बजट मंजूर हुआ है। बाजार की इस व्यस्त सड़क पर रोजाना लोगों की अच्छी खासी भीड़ गुजरती है। टायरिंग का काम डीसी ऑफिस के पास से गांधी चौक की ओर से मेन बाजार से होता हुआ बाया रीजनल अस्पताल हथली खड़पुर तक होगा। करीब 2 किलोमीटर एरिया इसमें कवर होगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शहरवासियों को टायरिंग होने से आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। सीवरेज कनेक्शन डालने के कारण पड़े गड्ढों से भी निजात मिलेगी। दुकानदारों को भी इसकी सुविधा होगी। प्रॉब्लम है ना पूरे बाजार च, उछल जगह जगह खड्डे पे टोटे पे, चलना बड़ा मुश्किल है। टायरिंग वगैरह बढ़िया करके ना उससे बड़ा बेनिफिट होना सारे वास्ते फायदा वास्ते। चाहते भी जिन्ने जल्दी हो सके भी उन्ने जल्दी हो, पर इस वेले तो कंडीशन बाजार की हालत जी बहुत खस्ता है। खड्डे बड़े टोटे पे जगह जगह कहना, इससे फिर नुकसान ही है। जैसे आने जाने वाला बड़ी दिक्कत होती, स्कूटर जाते और गड्डियाँ जाती, साथ में जो नालियाँ लगती हैं उनकी भी क्या कहते हैं, जो भी पक्की होनी चाहिए या वो ऐसी नहीं, नालियाँ बड़ी होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए नाली वगैरह, उससे साफ सुथरा और शहर तो देखने में भी अच्छा लगता है, नहीं मजा आता है। तो इसलिए नालियों का काम भी होना चाहिए और ये खड्डे वगैरह का सारा काम, और टायरिंग बढ़िया बिछनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना होना चाहिए। इसके साथ ही टूटी नालियों की भी रिपेयर होगी। टायरिंग के साथ साथ सड़क के किनारों पर जहां जहां नालियां टूटी है उनकी भी रिपेयर की जाएगी। नालियों की बीच बीच में नगर परिषद द्वारा सफाई तो की जाती है, मगर रिपेयर का काम काफी समय से प्रॉपर ढंग से मेन बाजार में नहीं हो पाया है। ब्लॉकेज होने का भी यह एक बड़ा कारण है। सड़क के किनारे अतिक्रमण भी प्रशासन को आए दिन दम दिए रहता है। टायरिंग में इसे भी हटाया जाएगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।